गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे हूँ और मैं ट्रैवल कर रहा हूँ एक नई सिटी में। ये मेरी साइट की पहली विजिट है और मैं लेह के लिए, लद्दाख के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ। और सुबह यहाँ पे अभी 6 बजे का समय है। लगभग 30 मिनट के बाद जो मेरी फ़्लाइट है वो टेक ऑफ करेगी और लगभग 8:30 बजे करीब मैं लेह में जो मैं पहुंच जाऊंगा। मैं पहली बार लेह में ट्रैवल कर रहा हूं, लेह के लिए जा रहा हूं। और आप लोगों को मालूम है हम लोग ने नॉर्थ ईस्ट में ऑलरेडी रेस्टोरेंट्स खोल के रखे थे, थोड़ा सा हमको आइडिया है कि किस तरीके से चीज़ों को वहां पे अप्रोच किया जाता है। अब जो ये रेस्टोरेंट होने वाला है वो एक कोरियन रेस्टोरेंट होने वाला है, प्योरली कोरियन रेस्टोरेंट हम लोग खोल रहे हैं और ये हमारे लिए पहला कोरियन रेस्टोरेंट होगा, ठीक है, लेह के अंदर। बट यहाँ पे जो ऑनर थे काफ़ी पहले से मुझसे कनेक्टेड थे, काफ़ी जो चीज़ें जो बैकेंड पे हमारी चीज़ें होती है, चाहे लेआउट्स हो गया, इंटीरियर का काम हो गया, वो ऑलरेडी चल रहा था। तो ये मैं साइट विजिट कर रहा हूँ ताकि फाइनल जो एक बिज़नेस प्लान है हम लोग प्रिपेयर कर पाएंगे, कितनी हायरिंग होगी, कितने लोगों के वहाँ पे सिटिंग होने वाली है, ठीक है, इंटीरियर में क्या काम रह गया है। अभी हमने जो रेस्टोरेंट का नाम भी रिवील नहीं करा है। तो सुबह सुबह मैं पहुँच गया हूँ एयरपोर्ट के अंदर। जो दिल्ली का मौसम है वो नॉर्मल है सुबह और शाम की सर्दी है, बट लेह के अंदर अभी इस समय तगड़ी बर्फ पड़ रही है। और वहाँ पे सीन क्या होता है कि भैया कुछ महीनों में सिर्फ आप जो प्लेन से ट्रैवल करते हैं उसके बाद रोड खुलेगी, तो जो मोस्ट प्रोबेबली जो हम लोग रेस्टोरेंट स्टार्ट करेंगे वो हम लोग अप्रैल के महीने में हम लोग करेंगे। मैंने कई सारी स्टोरीज भी डाली थी, ठीक है, अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे, ठीक है, और अपने जो इंस्टाग्राम वगैरह पे कि भाई मैं कोरियन का एक रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ये इसलिए भी करता हूँ ताकि जो उस कुजीन के शेफ़ हैं हमसे कनेक्ट हो पाएँ और हम कहीं ना कहीं उनको जो जॉब की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर पाएँ, जिससे कि हमें भी एक तरीके से हिम्मत मिलती है, ठीक है, कि हमारे साथ हमारे जो शेफ़ लोग हैं, अब ऑलरेडी काफ़ी जो शेफ़ लोगों ने हम लोगों को अप्रोच कर दिया है, ठीक है। बाकी आप लोग अगर कोई कोरियन शेफ़ हो आप लोग भी हमको अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टाफ वहाँ पर हमको चाहिए है होगा। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि मैं पहली बार विजिट कर रहा हूँ, कैसे वहाँ पे चीज़ें होने वाली है, क्या क्या हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, जो भी रेस्टोरेंट्स वगैरह होगा मैं आपको पूरा का पूरा दिखाने वाला हूँ। और मैंने बोला अप्रैल के मंथ में हम लोग इसको स्टार्ट कर देंगे, तो जो भी अपडेट्स रहेगी मैं आप लोगों को आगे देता रहूँगा। बट बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है, जब लोग वीडियोज़ के थ्रू हमें दूर दूर हमारे इंडिया से, ठीक है, हम लोगों को अप्रोच करते हैं, हमसे मिलते हैं और हम लोगों को मौका देते हैं उनकी सिटी में एक अच्छा रेस्टोरेंट खोलने का। और हम लोगों की भी हमेशा यही एक इच्छा रहती है, ठीक है, हम लोग भी उनके लिए अच्छा करें, जो भी हम लोग अपने जो बैकेंड्स के काम होते हैं जो कि उनकी मेनली बैकबोन होती है उनके रेस्टोरेंट की, ठीक है, उनकी मैन पावर हो गया, उनकी एसओपीज हो गया, उन चीज़ों पे अच्छे से जम के काम करें। बाकी जो भी अपडेट लेह से होगी मैं आप लोगों को वीडियो में आगे दिखाऊंगा, क्योंकि अब हो गया है मेरे बोर्डिंग का टाइम, नहीं तो मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। वेलकम टू लद्दाख। तो मैं पहुंच चुका हूं लद्दाख, ठीक है, और मैं जहां खड़ा हूं ये है हमारा रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट को मैं आपको पहले बाहर से दिखाऊंगा, पहले मैं आपको दिखाता हूं पूरा का पूरा हिमालय, ठीक है, बिल्कुल बर्फ से भरा हुआ खूबसूरत हिमालय, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और ये नज़ारा होगा किसके, हमारे रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने। तो आप सोच सकते हैं जो यहाँ पे लोग आएंगे, यहाँ के लोकल लोग आएंगे, यहाँ से टूरिस्ट वाले लोग आएंगे, उनको कितना ज्यादा मजा आने वाला है कोरियन फूड के साथ साथ यहाँ के व्यू का। और जो ये वाला रोड आप देख रहे हैं, इवन अगर आप देखेंगे ना, बस भी है यहाँ से, ये वाला जो रोड जा रहा है हमारा मनाली हिमाचल, तो लगभग 450 किलोमीटर दूर है। अब यहाँ पे मैं आपको अंदर की तरफ लेके जाऊंगा, ठीक है, ताकि आप लोग भी रेस्टोरेंट को देख पाएंगे। तो ये है हमारे रेस्टोरेंट, ठीक है, एक छोटा सा कोजी सा हमारा रेस्टोरेंट है। टोटल जो हम लोग सिटिंग यहाँ पे जो करने वाले हैं, हमारी 40 करीब सिटिंग होने वाली है। आप देखेंगे ना ये पूरा का पूरा जो ये वुड वर्क है, अब जब हम कोरियन कुजीन को सर्व करते हैं तो वहां पे लोग बैठ के खाना खाते हैं, ठीक है, उनका ट्रेडिशन है वहां पे बैठ के खाना खाने का, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग अपनी जो 4 या 5 इंटीरियर का पार्ट हम देखेंगे, राउंड टेबल्स हम लोग लगाने वाले हैं जिसमें कि वो लोग बैठ के गेट टुगेदर करके अपना खाना खाएंगे, ठीक है, बारबेक्यू वगैरह भी कोरियन में आता है। ये देखिए, ठीक है जी, ये पूरा है हमारे रेस्टोरेंट का व्यू। और यहां से अगर मैं इस तरफ को जाऊंगा तो इस तरफ वुड का काम और ज्यादा बेहतरीन लगता है। अब यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है हमारा, ठीक है, वो कंप्लीटली हमारा कोरियन रेस्टोरेंट होने वाला है।
यहाँ पे जो हमारे कस्टमर्स हमारे क्लाइंट होने वाले हैं, यहाँ के लोकल लोग और जो हमारे टूरिस्ट आएंगे वो होने वाले हैं। और ये रेस्टोरेंट हमारा 12 महीने ओपन रहेगा। जैसे कि होता है कि लेह में जैसे रोड बंद हो जाती है तो टूरिस्ट का आना बंद हो जाता है, रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं, बट जो ये हमारी लोकेशन है वो बहुत ज्यादा करीब है किसके, हमारे जो एयरपोर्ट के। लगभग 15 मिनट में मैं जो एयरपोर्ट से मैं यहाँ पहुंच गया, तो ये जो रेस्टोरेंट है हमारा पूरे 12 महीने खुलने वाला है। और यहाँ पे आधे से ज्यादा जो हमारा काम है, ठीक है, रेस्टोरेंट का हो चुका है, 80% आप काम डन बोल सकते हैं। किचन हमारे अंदर है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो 80% काम डन है, तो जो फाइनल जो टचेस है देने हैं वो हमारा बाकी है। थोड़ा किचन फिटिंग होना है, और जो मेरी, जैसे कि मैंने बोला, मेरी जो साइट विजिट है मैं उसके लिए आया हूँ, ताकि एक प्रॉपर मैं प्लान आउट कर पाऊंगा कि हमको आगे किस तरीके से चीजों को लेके जाना है। बाकी अप्रैल के अंदर हम इस रेस्टोरेंट को स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए, अब ये देखिए पूरा का पूरा, ये भी हमारा पूरा काउंटर है, वुड का हमारा ये पूरा काउंटर है। और ये जितना भी अगर आप सामान है यहाँ पे अभी देख रहे हैं ना, जो पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा हमारा दिल्ली से आया है। ये होने वाला है हमारा पूरा का पूरा बिलिंग काउंटर, ठीक है। तो बिल्कुल बेहतरीन सा यहाँ होने वाला है, ठीक है। और कोरियन अगर फूड की बात करें, ठीक है, तो किमची बहुत ही फेमस डिश है। किमची सैलड्स होता है, और किमची को फिर अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। शूसीज हमारी होती है, तो यहाँ पे चैलेंज ये होगा कि जो भी हमको प्रिक्योर करना होगा हमारा रॉ मटेरियल, स्पेशली जो हमारे को ग्रॉसरी प्रिक्योर करनी होगी वो करनी होगी हमको दिल्ली से ही, ठीक है। तो वो भी एक थोड़ा चैलेंज होगा, बट उसमें भी मजा आएगा क्योंकि पहली बार हम लोग ऐसा कर रहे होंगे। तो आगे और बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरफ हमारा टॉयलेट है और इस तरफ है हमारा किचन, ठीक है। ये हमारा छोटा सा कोजी सा किचन है। लगभग ओवरऑल जो रेस्टोरेंट की सिटिंग हमारी 40 होने वाली है। लंच और डिनर हम लोग यहाँ सर्व करेंगे, ब्रेकफास्ट हमारा होगा नहीं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा अभी हमारा जो सामान है फिट हो जाएगा। आप ऑलरेडी देखेंगे ये पोर्टेबल जो गैस के जो बर्नर्स होते हैं वो हमारे बारबेक्यू के लिए हम लोगों ने लाके रखे हैं। और इसके बाहर भी अगर हम लोग जाएंगे तो वो हमारा एरिया हो जाएगा हमारे पोर्ट वॉश का। अब हम प्लान ये भी कर रहे हैं कि उस तरफ भी हम लोग अपनी सेटिंग को थोड़ा रखेंगे, ठीक है। तो लगभग यहाँ पे हमारी 20 सेटिंग इस तरफ निकल जाएगी, ठीक है। 10 सेटिंग इस तरफ निकल जाएगी, बाकी 10 हमारी बाहर आ जाएगी। टोटल 30-40 करीब हमारी सेटिंग यहाँ पे होने वाली है। तो यही है मेरा एक छोटा सा कोजी सा रेस्टोरेंट, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत आप जिसको कि बोल सकते हैं है। तो आप लोगों से मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगा कि जो भी लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज जब भी आप लोगों को मौका मिले लेह में आने का, हमारे इस रेस्टोरेंट को आप लोग जरूर विजिट करें। नाम अभी मैं रिवील नहीं करूंगा, ठीक है। जब हम लोग बाद में आएंगे, नेक्स्ट मंथ हम आएंगे, हमारी टीम आएगी, हमारे शेफ्स की पूरी जब टीम आएगी, तब हम उस चीज को रिवील करेंगे। तब हम अपनी जो प्रॉपर ट्रेनिंग्स होती है, हमारे ट्रायल्स होते हैं, ठीक है, हमारी एसओपीज की क्रिएशन हो गया, बैकेंड में जो काम बच जाएगा वो हम लोग तब यहाँ पे करेंगे। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हम लोगों को इतना प्यार करते हैं, और हम भी पूरे दिल से अलग अलग जगह जाके अपने जो रेस्टोरेंट को स्टार्ट करते हैं। तो लव यू फ्रॉम लद्दाख, ठीक है जी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।